तो देखो तुमको CrO5 का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। वीडियो पॉज कर लो, कैलकुलेट करके देखो कितना आता है। कितना आया? चलो कितना आया? 10 आया। 10 बोलो यार, अगर 10 आया होगा तो तुम्हारा क्या आंसर गलत है। ठीक है, क्यों? देखो क्रोमियम का तो +6 से ज़्यादा नहीं शो कर सकता है। +6 से ज़्यादा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है। अब तुम दिखा कितना रहे हो? 10, जो कि क्या है? सरासर गलत है। इस कंपाउंड का नाम क्या है? क्रोमियम पर ऑक्साइड। क्रोमियम पर ऑक्साइड है। अब इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं भाई साहब। देखो क्रोमियम का क्या स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। और इसका जो कलर होता है भाई साहब, डीप ब्लू। इसका कलर कैसा होता है? डीप ब्लू। तो अब इसको याद रख सकते हो, ब्लू बटरफ्लाई। क्या याद कर सकते हो? इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो, ब्लू बटरफ्लाई। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। अब देखो ऑक्सीजन और क्रोमियम ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा? ऑक्सीजन का। तो अगर इस तरीके से बॉन्ड को तुम तोड़ोगे तो इस पर -2 देना पड़ेगा और इधर क्या देना पड़ेगा? +2। इस वाले बॉन्ड को तोड़ो, इस पर -1, इधर से आएगा +1। सिंगल बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। इधर से तोड़ो, इस पर -1 और इस वाले पर +1। अब इनके बीच का देखो, ओ के बीच में है तो 0-0 लिखोगे। अगर सेम के बीच की बॉन्डिंग को आप ब्रेक करते हैं तो क्या लिखेंगे? 0-0। सिमिलरली इधर से करोगे तो +1, इधर से करोगे तो +1, इस पर आएगा -1, इस पर आएगा -1 और इनके वजह से क्या आएगा? 0। तो काउंट कर लो, देखो +2 और 1, 3, 4, 5, 6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल गया रहा है? +6। ठीक है, यानी इसके अंदर देखो, इसके अंदर CrO5 में कितने? 4 परऑक्साइड लिंकेज हैं। क्या हैं? 4 परऑक्साइड लिंकेज। और जहाँ पर ऑक्सीजन परऑक्साइड बॉन्ड बनाता है, परऑक्साइड बॉन्ड, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। तो अगर इसको तुम x मान के करोगे ना तो ऐसे करना पड़ेगा। क्रोमियम को क्या लोगे तुम? x लोगे। और एक ऑक्सीजन जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? -2 में। और 4 किस में है? -1 में। तो 4 इंटू क्या करना पड़ेगा? -1 = 0। तो x की वैल्यू -2, इधर से -4 = 0, x की वैल्यू क्या आएगी? +6। तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर अगर तुम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हो रेंज से बाहर आ जाता है, तो वहाँ पर तुम ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकालोगे? बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, आया बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया।